Hello, everybody. I'm Krishna Abhishek, and you're watching The Kapil Sharma Show. Subscribe to Live Comedy and hit the bell icon. सारा ने फोटो डाला है पर्वतों में पराठे जन्नत इन पहाड़े चलती रही कॉफी के सहारे बर्फ में भी बहारे तो आजमाओ ये नजारे क्या है सारा ये बड़े दिस अच्छा लगता है ऐसे मतलब ये शायरी आपने लिखी है हाँ जी नहीं, बहुत अच्छी लिखी है क्या प्रॉब्लम क्या है नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है नहीं नहीं बहुत अच्छी है मैं कह रहा हूँ तो मैं कहता अच्छा लगता है कि कभी कभी लिखती हूँ रोज इसकी बुक छपनी चाहिए आपको किताब आनी चाहिए शायरी की किताब है ऑलरेडी किताब का क्या ओहो आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं ये बड़ा डरावना होता है आधा ही पराठा बचा बाकी खा गई सारे बर्फ यहाँ काफी है ग्लास लेके आओ सारे अच्छा किसी ने आगे शेयर कंटिन्यू किया है मेरा एक ही नारा है प्यार मेरा सारा है क्या बात किसने लिखा है भाग यहाँ से टुच्चे सैफ डंडा लेके आ रहा है और दिखाइए हीरोइन है भाई किसी टूरिस्ट का प्लेट पकड़ के फोटो खिंचाया है गाड़ी में एवोकाडो खाएगी ये सच नहीं है अरे ये खुद का पराठा यार नहीं करती है आलू का पराठा है नहीं करती मैं एवोकाडो सिर्फ तब मंगाती हूँ जब प्रोडक्शन पैसे दे रहा होता है बहुत महंगे होते हैं आई स्वेयर सच में जब भी ब्रांड शूट हो या फिल्म शूट हो गाने का शूट हो मैं एवोकाडो मंगाती हूँ यार ये एवोकाडो आया कब मतलब हमारे बचपन में तो नहीं था पर एवोकाडो कहाँ का फल है आपको पता होगा आई थिंक मैक्सिको कहाँ का एक बंदा बोले मैक्सिको स्पेन तुम तो मलाड से आगे कभी गए नहीं तुम्हें कैसे पता स्पेन का है चलो आइए देखते हैं लिखने की ख्वाहिश तो मुझे भी थी लेकिन डरता था लोग क्या कहेंगे आज आपकी शायरी पढ़ के मेरी भी हिम्मत बढ़ गई है कौन है ये नामाकूल जिसने ऐसा लिखा है इतनी अच्छी शायरी आज मुझे स्कूल के वो दिन याद आ गए जब सवालों के जवाब में मैं कुछ भी लिख आता था पराठे हैं पहाड़ है कॉफी भी है और क्या चाहिए पहाड़े तो वो होते हैं जो एक का पहाड़ा दो का पहाड़ा मेनी पहाड़ इज व्हाट पहाड़ों पहाड़ों पहाड़े नहीं होते अरे पर पराठे आना एक ही मात्रा आ रही ना पहाड़ का प्लूरल पहाड़ी है एक पहाड़ और दस पहाड़ पर वही वो हिंदी पहाड़े वो हो जाते कैसे एफआईआर करा दो उसकी फिर क्या करे लिख दिया बस ठीक आप एंजॉय करो अपनी बात हाँ एंजॉय तो कर रही थी फिर आप हाँ अरे अरे ऐसे लोग तो कुछ भी बोलते हैं लोगों का काम है कहना आगे कमेंट पढ़ते हैं पलटू सबसे बड़ा पलटू नहीं कोई नहीं ओहो मैनिफेस्ट भी करे नाले करे मेहनता बहुत अच्छी लाइन है इसका मतलब है कि मैनिफेस्ट तो करो करो सिर्फ मैनिफेस्ट करने से कुछ नहीं होता मेहनत भी करनी चाहिए है ना हाँ क्या करो तरफ मत देख नहीं नहीं मैं आपको नहीं कह रहा मैंने मैनिफेस्ट कर लिया और वो हो भी गया है अभी मैंने मेहनत की या नहीं की वो डजंट मैटर मैनिफेस्ट नहीं आपने जबरदस्ती किया है दिखाइए जी कमेंट्स आगे फोटो बाद में खिंचाना पहले पेटियां उठा के ट्रक में रखो अगर आपको इस बात की अकड़ है कि आपके पास 2000 का नोट है तो 30 सितंबर से पहले बैंक में जमा करवा दें गर्दन सीधी हो जाएगी यार ये बड़ा चक्कर चल रहा है आप आपके पास कितने दो दो हजार वाले है? दो दो हजार वाले नोट कितने रखे हैं आपने मैं मेरे पास नहीं है मनी मन में गिन क्यों रही थी फिर मैं नहीं गिन रही थी नहीं है मेरे पास हाँ चलिए और दिखाइए आगे अगर आपने मुझसे शादी की होती तो आपके शर्ट के बटन टूटे ना होते मैं लगा देती वैसे मैं अभी भी अवेलेबल हूँ किसी ने उसी लड़की को रिप्लाई किया अगर आप धोती रफू कर सकती हैं तो मैं भी अवेलेबल हूँ ये कौन है भी धोती रफू करा रहा है और दिखाइए इस पे तो आएंगे बेटा कमेंट्स आमची मुंबई की सवारी बेस्ट बस रेड लाइक ए चेरी गुड टू बी होम फीलिंग मैरी नाउ मेकिंग माई राइड टू पारसी डेरी तो हर पोस्ट में शायरी कर रही है। This is a nice one. इन्होंने ढूंढ ली है शायरी हर पोस्ट पे थोड़ी कभी कभी एक दो इमोजी भी डाल देती हूँ आइए नीचे कमेंट्स पढ़ते हैं अरे यार जिस दिन बेस्ट में ऐसी कंडक्टर हो गई लोग अपनी गाड़ियां बेच देंगे इन्होंने अपने पापा से बोला था मुझे बड़ी गाड़ी गिफ्ट कर दो उन्होंने बस ले दी
जैसे आप खड़ी हैं, विरार जाने वाला भी चर्च गेट की बस में बैठ जाए। और दिखाइए। बोल ले। Ladies and gentlemen, this is coffee number 5। पाजी, 5 कॉफी दिन में पीनी चाहिए? फिर भी सो रहा है। आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं। भाई आप किस्मत वाले हो, आपको 5वीं कॉफी मिली, हम ऑफिस में दूसरी चाय मांग ले तो पीएन हमें ऊपर से नीचे तक देखता है, बोलता है ससुराल आया है क्या? मेरी बिल्ली को भी अगर पुराना दूध पिला दो वो भी ऐसे ही मुंह बनाती है। और दिखाइए। पहले हमारे पास ऐसा एक तकिया था, पिताजी ने तेल लगा लगा के चिकना कर दिया। और दिखाइए। सारा अली खान बकरी चराना ट्रैक्टर चलाना, वाज इट जस्ट फोटो का बहाना और सारा विशिंग इट वाज अ डिफरेंट जमाना। वाओ, गालिब साहब की याद आ गई मुझे। ये बुरे नहीं है, अच्छे हैं, बहुत अच्छा है, वेरी नाइस। आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं। चचा का सारा ध्यान इन पे है, आज जरूर इनकी भेड़ खोएंगी। लगता है ये अंकल से पूछ रही हैं, भेड़ तो काली और सफेद है, फिर स्वेटर रंग बिरंगे कैसे बन जाते हैं? 19 काले और 14 सफेद भेड़े हैं, और ध्यान से देखने में पता चलेगा एक कुत्ता भी है। देखो भी कितने भी टाइम है लोगों के पास, सो स्वीट। और दिखाइए। बहुत समय बकरियों के साथ बिताने पर इंसान भी थोड़ा थोड़ा बकरी जैसे दिखने लगता है। और दिखाइए। खत्म, धन्यवाद। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।